और दोस्तों मैं भी इस चीज से जो जो है परेशान हूं, और मैं भी इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि इस टाइम प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस के प्राइसेस में बहुत बड़े लेवल पर फ्लक्चुएशन आ रहा है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि और कितना बढ़ेंगे इनके प्राइस, और कितना ज्यादा ऊपर जाएगा प्राइस, अब इनके प्राइस कब कम होंगे, गुड न्यूज कब आने वाली है, जब सप्लीमेंट्स के प्राइस डाउन होंगे, बजट हो रहा है बाहर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं परिवार है हमारा। और दोस्तों आज की वीडियो में आप सोच रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में वर्सेस वीडियो है, इनके बारे में कंपेयर करेंगे कुछ करेंगे, तो नहीं, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जो कि मतलब कुछ मैं कहूंगा महीने दो महीने से बहुत रिपीट हो रहा है। और दोस्तों मैं भी इस चीज से जो है परेशान हूं, और मैं भी इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि इस टाइम प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस के प्राइसेस में बहुत बड़े लेवल पर फ्लक्चुएशन आ रहा है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि और कितना बढ़ेंगे इनके प्राइस, और कितना ज्यादा ऊपर जाएगा प्राइस, अब इनके प्राइस कब कम होंगे, गुड न्यूज कब आने वाली है, जब सप्लीमेंट्स के प्राइस डाउन होंगे, बजट हो रहा है बाहर। तो दोस्तों आपने भी नोटिस किया है, मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से, ऑलमोस्ट डेढ़ दो महीने से, सप्लीमेंटेशंस के जो प्राइस हैं वो काफी बड़े लेवल पर हाइक होते जा रहे हैं। और जो ये हाइक हो रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हाइक हो रहा है 150-200 रुपए का, 500-500, हजार-हजार, 2-2 हजार रुपए का हाइक हो रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं। दोस्तों देखिए, नो डाउट ये जितने भी ब्रांड्स हैं, अभी मैंने जैसे मोस्टली इंपोर्टेड ब्रांड रखे हुए हैं, ये जितने भी ब्रांड हैं सब बाहर से आते हैं, तो काफी जो मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जो है इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह में, या कोई सर्टिफिकेशन का पंगा है कि यार कि जो है इंडिया की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन इशू करने के लिए बोला गया है यूएसए से, तो इसलिए सप्लाई कम आ रही है, ये बात भी सामने आ रही है। कुछ है कि रॉ मेटीरियल्स में पीछे से ही, क्योंकि दोस्तों नो डाउट जो रॉ मेटीरियल आता है वो यूरोपियन कंट्रीज से ही आता है, क्योंकि वहां पर वे का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, तो इसलिए चाहे इंडियन ब्रांड है इंपोर्टेड ब्रांड है, मोस्टली जो है रॉ मेटीरियल बाहर से आता है। हाँ, रॉ मेटीरियल भी काफी तरीके का होता है, उसमें जो है बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ब्रांड अगर आपने नाम सुना हो डेविस्को आती है, डेविस्को का रॉ प्रोटीन आपने सुना होगा, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो रॉ मेटीरियल देती हैं, और वो फिर जो है रॉ मेटीरियल के प्राइस जो है अप हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी अप हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे रीजन सामने खुल के आ रहे हैं, क्योंकि अब प्राइस जो है काफी बड़े लेवल पर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी अवेयरनेस भी अब बड़े लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और फेक माफिया इन्हीं दिनों की तलाश में था कि जब आप पैसे की चिंता करने लगे, बजट की चिंता करने लगे, और सस्ते की तलाश आपकी नजरें करने लगे, तो ये फेक माफिया उसी की वेट में है। और अब बहुत सारे केसेस सामने आ भी रहे हैं कि सस्ते के चक्कर में जो है हम सप्लीमेंटेशंस परचेज कर रहे हैं और नकली ले रहे हैं, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी, इंटरव्यू वीडियो, जिसमें मैंने जो है सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, वो देखना आप। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझनी है, रीजन चाहे कुछ भी है, नोटिफिकेशन बहुत सारी है, न्यूज बहुत सारी है कि यूएसए की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज में रॉ प्रोटीन रॉ मटेरियल जो है आप हो रहा है, कि इंपोर्ट ड्यूटी में दिक्कत आ रही है, कि इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है, कि डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी प्राइस हाइक हो रहे हैं काफी बार। मतलब जो र्यूमर भी फैल रहा है कि इंपोर्टर्स जो है अपनी तरफ से प्राइस हाइक कर रहे हैं, वो जो है माल को स्टॉक कर रहे हैं ताकि प्राइस बढ़ जाए फिर उसको निकाले, ऐसा भी जो है र्यूमर्स फैल रहे हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, इंपोर्टर्स की तरफ से कभी ऐसा नहीं होता है यार, कौन इंपोर्टर चाहेगा कि उसका माल जो है मतलब एंड बायर तक सही और फ्रेश टू फ्रेश ना जाए, कौन चाहेगा ऐसा, ऐसा कोई इंपोर्टर नहीं चाहेगा। तो ये चीज आप समझे, तो इन र्यूमर्स से भी हमको बचना है, फेक माफिया से भी बचना है, और बजट की तरफ भी हमको ध्यान रखना है। बट दोस्तों एक चीज मैं सिंपली इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि बेशक इनके प्राइस कितने हाइक हो जाएं, पर हम लेंगे तो ओरिजिनल लेंगे, अगर बजट नहीं है तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे,
हम बेशक नेचुरल डाइट ले लेंगे, अपना अपना जो है नॉर्मल डाइट से फॉलो कर लेंगे, या फिर हम अपना पैसा इकट्ठे कर लेंगे और महीने भर रुक जाएंगे। पर दोस्तों लेंगे तो ओरिजिनल, और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मतलब सप्लीमेंट्स विला। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर आइसोप्योर, आइसोप्योर का मुझे याद है कि महीने, मतलब महीने तो नहीं कहूंगा, दो तीन महीने पहले जो आइसोप्योर के जो नॉर्मली रेट चलते थे वो चलते थे आपके 5,000, 51, 52। अब आइसोप्योर का जो करंट सेलिंग प्राइस है 3 LBS का वो है 5,800। अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपके जो है वे प्रोटीन का, जो आपका वन साइज का वे प्रोटीन है, इसके नॉर्मली प्राइस चलते थे 4,000, 4,200, 4,300 रुपए, और मुझे याद है कि मिनिमम प्राइस इसके जो है 38, 39 भी रहे हैं, पर अब इसके प्राइस है 4,700। और जो काफी बड़ा बड़ा जो हाइक भी हुआ है, जिसमें जैसे आरसी प्रोटीन मैं कहूंगा कि मतलब टॉप थ्री में आएगा, जिनमें सबसे बड़े जो हाइक हुआ है प्राइस में, जैसे आरसी प्रोटीन का नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस सप्लीमेंट्स वाला पर भी चल रहा था वो 5,200, 5,400, मतलब बिलो 55 रहता था, बट अब इसका प्राइस है 6,800। वहीं अगर मैं सेंसेशन की बात करूं, सेंसेशन का जो लास्ट सेलिंग प्राइस चल रहा था वो था 5,400, बट अब है इसका 6,500। तो दोस्तों प्राइसेस जो है नो डाउट हाइक हो रहे हैं, और यहां पर अभी तो एक प्रोटीन और है जिसका तो मतलब मैं कहूंगा हाइक नहीं, सुपर डुपर हाइक हुआ है, सबसे ज्यादा प्राइस जिसका हाइक हुआ है वो है डायमाटाइज आइसो 100। नॉर्मल सेलिंग प्राइस चलता था 7,000, 7,100, 7,200, अब सेलिंग प्राइस चल रहा है 9,500, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है सप्लीमेंट्स वाला पर। तो दोस्तों इसीलिए प्राइस सबके हाइक है, सिर्फ एक प्रोटीन या एक सप्लीमेंट के नहीं, और इनके ही नहीं है, जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनके भी प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। उसका रीजन यही है, मैं बता चुका हूं आपको। देखो ये तो मैन्युफैक्चरिंग ही बाहर हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं आइसोप्योर की, इनकी तो ये तो यूएसए मैन्युफैक्चरिंग है, यहां पर जो है अगर मैं बात करूं वन साइंस की तो ये हंगरी मैन्युफैक्चरिंग है, हंगरी भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो वे प्रोटीन वहीं ज्यादा प्रोडक्शन होती है। और दोस्तों इनके भी प्राइस हाइक है, और जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनमें भी प्राइस हाइक हो रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बाहर से ही आता है साथ, चाहे वो अगर आप नोटिस करें तो वो चाहे वो अवतार हो, चाहे वो स्टार एक्स हो, चाहे वो कोई भी जो है इंडियन ब्रांड है, रॉ मटेरियल सबका बाहर से आता है। तो नेचुरल सी बात है यार, जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, इंपोर्ट में दिक्कत आएगी, या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइस हाइक जाएंगे। बट दोस्तों मैं फिर भी यही कहूंगा कि देखो नो डाउट मैं भी समझ रहा हूं कि यार पॉकेट पे एक्स्ट्रा लोड आ गया है, बट फिर भी मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजट नहीं है बेशक सप्लीमेंट ना खरीदें, पर लें तो ओरिजिनल लें और सप्लीमेंट फिलहाल से लें, क्योंकि एक शरीर है एक बार मिला है यार। और देखो सप्लीमेंटेशन ऐसी तो है नहीं चीज की डेली खरीदनी पड़ेगी, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सेंसेशन की, फॉर एग्जांपल प्रो एनटीएम की, तो एक बार ले लो गई यार 1.5-2 महीने की, तो 1.5-2 महीने का मतलब जो है मेरे हिसाब से 500,000 या 1,500-2,000 की तरफ आप ना देखें, ले ओरिजिनली, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, वरना आज भी प्रो एनटीएम जो है आप कहते हैं भैया 4,800 का मिल रहा है, 4,200 का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, तो मैं कहूंगा जरा सावधान हो जाएं, प्राइस रियलिटी में ही जो है इनके हाइक जा रहे हैं। लबराडा मास गेनर 5,400 चल रहा था लास्ट सेलिंग प्राइस, 67 है 12 LBS, लबराडा मास गेनर 6 LBS प्राइस चल रहा था उसका नॉर्मली 3,300, 3,400, अब प्राइस है 4,100, तो सभी के हाइक हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो है सस्ते को ना देखें, सस्ता सस्ता ना करें, थोड़ा सावधान रहें, एक ही बॉडी है, ये शरीर है, तो पैसा है, पैसे का सुख है, इस शरीर को ही कुछ आपने कर लिया तो नुकसान होगा भारी, और फिर इस शरीर को ठीक करने के लिए पैसे खर्च हो जाएंगे, समझे इस चीज को भाई, पैसा बचाने के लिए पहले शरीर खपा दिया, और फिर शरीर पाने के लिए वो जो पैसा बचाया था वो खपा दिया, फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो इसलिए स्टार्टिंग से चलें, अच्छा लें प्रोडक्ट, बेशक महंगे हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और मे बी जो है जल्दी इनके प्राइस डाउन भी आएंगे, तो वो टाइम भी आएगा डाउन भी आएंगे, बट दोस्तों अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि प्राइस सभी के हाइक हैं, और आप थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ये टाइम बहुत ही मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट टाइम है, या अवेयरनेस का टाइम है, इस टाइम फेक माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बचें और जुड़े सप्लीमेंट्स वाला परिवार से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मतलब सप्लीमेंट्स विला फैमिली, तो जुड़ जाए फैमिली से। और बाकी पीछा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको पता है रिजल्ट तो आगे रहेंगे, क्योंकि पीछे मैं आपके लग जाता हूं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है आपको, जो जो नोटिफिकेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्स वाला की पास है कि भाई क्यों इनके प्राइस हाइक हो रहे हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि रॉ मटेरियल और जो है इंपोर्ट ड्यूटी, डिमांड, सप्लाई, यूरोपियन कंट्रीज में जो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस हाइक होना, बहुत सारी चीजें हैं।
बट नो डाउट हार्ड टाइम है, प्राइस हाइक है इस टाइम। तो आप जो हैं सप्लीमेंट्स लें, ऑइनल लें, 1500 रुपये ना देखें। और मुझे लगता है कि यार आज के टाइम में मतलब जो है महीने डेढ़ महीने का अगर आप कुछ सामान ले रहे हैं उसमें अगर 1500 रुपये का, और वो भी सेहत का सामान है जो डायरेक्ट लिंक है, उसमें 1500 रुपये मेरे हिसाब से कोई मायने रखने भी नहीं चाहिए आपको सेहत के मामले में। तो जुड़ जाएं सप्लीमेंट्स वाला परिवार से, और कोई भी सप्लीमेंट ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। आज भी ओरिजिनल मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्स विला पर, यहाँ फेक माफिया इतना एक्टिव है, और दिल्ली सेम डे डिलीवरी है। अगर आप दिल्ली ऑर्डर करते हैं तो सेम डे डिलीवरी, सुबह ऑर्डर किया दोपहर तक आपके घर। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आज के लिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।